दरभंगा एम्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि दरभंगा एम्स का काम जो अधर में लटका हुआ था वो जमीन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एम्स के लिए आईआईटी दिल्ली को तकनीकी सहायता के लिए भी कहा गया है। देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना, और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट भी होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है, आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम आईआईटी दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जा करके, बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर लें और भर करके उसको बर्बाद न करें, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करें, और हम बिल्डिंग्स को पानी के रीच से बाहर करें, इस बात को तैयार करने में लगे। इसी में टाइम लगा, पहले आप शहर के लिए लगे रहे, फिर मैंने कहा कि हमको खुली जगह चाहिए, ग्रीन फील्ड चाहिए, हमको नई जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के जगह वही है, मैं देखाया हूँ और वही बनना है और अब बनना है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब देखिए, सीबीआई ने राउज रेवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दी है। सीबीआई ने राउज रेवेन्यू कोर्ट को दी मंजूरी वाली कॉपी भी अब जमा की है। इस मामले में अन्य आरोपियों पर भी गाज गिरेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा अन्य आरोपी हैं, जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का भी अभी इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के रिक्वेस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। लालू प्रसाद यादव, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इसके साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। दरअसल इस मामले में सीबीआई के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनुरोध किया गया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, उनके खिलाफ काफ़ी पिछले दिनों से तफ्तीश चल रही है और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की उन्हें अनुमति प्रदान किया जाए। लिहाजा इस मामले पर जब सीबीआई को अनुमति मिल गई है तो इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी राउज रेवेन्यू कोर्ट के साथ में सीबीआई के द्वारा साझा किया गया और राउज रेवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें जमीन के बदले नौकरी देने के मामले की बात करें, तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश चल रही है। इसके साथ ही इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी तफ्तीश चल रही है और जिस तरह से अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है, तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आज कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि इस मामले में इतना विलंब क्यों, इस मामले पर जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है और अनुमति लेने की जो प्रक्रिया है इतनी ढीली क्यों है, तो इस मामले पर सीबीआई के द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर आगे जल्द ही आगे उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही इस मामले पर यह भी कहा गया है कि अभी सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि इस मामले पर 30 अन्य आरोपी भी हैं, उनके खिलाफ भी आगे मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस मामले पर कोर्ट की कार्रवाई बढ़ेगी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई की चार्जशीट पर मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। आपको बताते चलें कि सीबीआई ने राउज रेवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी है। सीबीआई ने मंजूरी वाली कॉपी भी जमा की और देखिए, अन्य आरोपियों पर भी अब गाज गिरेगी। इसके बाद 30 से ज्यादा आरोपी हैं और अभियोजन की मंजूरी का अभी इंतजार है। सीबीआई ने 15 दिन और मांगे हैं और देखिए, इससे पहले कोर्ट ने समन जारी किया था। लालू तेजस्वी और तेज प्रताप को भी समन जारी किया गया। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। पहली बार तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया। पहले तेज प्रताप जो है इसमें आरोपी नहीं थे, उनको समन नहीं भेजा गया था, उनका नाम इसमें संलिप्त नहीं था। अब देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक्शन मोड में है सीबीआई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिलने के बाद सियासत अब काफी ज्यादा तेज है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा है कि भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में लालू जी और उनका पूरा परिवार अकंठ डूबा हुआ है।
तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में बिहार में नौकरी देने की चर्चा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि फोर्थ ग्रेड की नौकरी में भी जमीन लिखवा ली गई। उम्मीद बन गई है कि लैंड फॉर जॉब के इस लंबे समय से चल रहे मामले का तार्किक जो आधार पर जो इसका समाधान ढूंढा जा सकता है वो जनता को मिल जाएगा। निसंदेह भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में लालू जी और उनका पूरा परिवार आकंठ डूबा हुआ है और वहां से कभी नौकरियों के बौछार की बात वो करते हैं, 17 महीने की बार बार वो उस कार्यकाल की चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से बिहार में नौकरियां मिली, लेकिन नौकरियों का सच क्या है? फोर्थ ग्रेड गैंगमैन वगैरह जैसी नौकरी के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली गई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर केस चलाने की गृह मंत्रालय की मंजूरी पर बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सुमित सिंह ने कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है, जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आरोप है तो जांच होने देना चाहिए, अगर आप सही हैं तो जांच होने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मांगा जाता है ये सब एक जो होता है राजनीतिक पॉलिटिकल ये होता है, तो इसमें हम लोगों का कोई ये नहीं है। अगर उस तरह उनका कोई मामला है तो जांच में क्या ये है प्रॉब्लम है, जांच होने दिया जाए। अगर हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगता है और उस पर अगर जांच किया जाता है और हम निर्दोष हैं तो बेशक जांच किया जाए। हमारे ऊपर भी आरोप लगे हैं कई तरह के, मैं तो कभी नहीं घबराया उन आरोपों से। लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद सियासत अब काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत बहुत लोगों को जमीन के बदले नौकरी मिली थी। लालू प्रसाद को ट्रायल फेस करना पड़ेगा क्योंकि जिन्हें जॉब मिली उसके बदले जमीन चली गई, ये एक बड़ा घोटाला है, मुकदमा तो चलेगा ही। फॉर जॉब स्कैम हुआ था और बहुत लोगों को नौकरी मिली थी जमीन के बदले, और इसमें पहले से भी ये मामला चल रहा था और अब उसमें राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी उसको मिल गई है, ये मुकदमा चलेगा और उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों को भी जॉब मिला उसके बदले में ज़मीन चली गई तो ये तो स्कैम हुआ और इस पर जांच हो रही है और मुकदमा भी चलेगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद सियासत अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर निशाना साधा है तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश बताया है। लालू प्रसाद की उनके सगे संबंधियों को करने का फल तो भुगतना ही होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद लालू जी का जेल जाना तय हो गया है। लालू जी ने अपने पद और पावर का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वह देश की राजनीति में काले समय के रूप में याद किया जाएगा। सीबीआई ने साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए होंगे तभी हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह की अनुमति प्रदान किया। अब अपेक्षा करते हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग है प्रोसेस है उसमें अपना ये पूरा सहयोग अदा करेंगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान। हालांकि तो हम लोगों ने अब तक यही देखा है कि जो हमारा विपक्ष है या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर उनके अनुसार अगर कोर्ट के वर्डिक्ट नहीं होते हैं तो उस पर ये 10 तरह का सवाल उठाते हैं, तो न्यायपालिका या कोर्ट को मानने वाले तो इन लोग है नहीं। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं कि एक ही मामले में भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार लालू जी के परिवार को और लालू जी को प्रस्थान करना चाहती है। जिन मामलों में सीबीआई की लीगल विंग ने केस को एडमिट करने से मना किया था बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके, उन्हीं केसों को बार बार रीओपन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बेहद ही सस्पिशियस रहा है। अपने बीपीएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा जो मेन्स एग्जाम में अपियर होंगे। मेंस एग्जाम इसकी सब्जेक्टिव होती है और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे।
और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस के एग्जाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है, वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के साथ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी गड़बड़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था, ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधित, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान। और आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज यहां सबसे पहले बाबा झारखंडी धाम के चरणों में, मां चंचला देवी के चरणों में और ध्वजाधारी मंदिर के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हेलीपैड से सीधा झारखंडी धाम जाने निकला, मगर पूरा रास्ता ब्लॉक है, पब्लिक ही पब्लिक है, लोग ही लोग है। आऊंगा फिर से, बाबा का दर्शन भी जरूर करूंगा, परंतु एक बार कहकर जाता हूं, बाबा का चरणों में एक वादा कर जाता हूं, अब भाजपा की सरकार बना दो, झारखंडी बाबा का धाम पूरे भारत में मशहूर हो, ऐसा पर्यटन का स्थान हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज सुबह आदिवासी क्षेत्र में पलामू में एक यात्रा की शुरुआत हुई, आज दूसरी यात्रा गिरडीह से चालू हो रही है। ये दोनों यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा रखा है और 3 यात्राएं निकलेगी और ये तीनों यात्राएं झारखंड के एक एक विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का संदेश लेकर जाएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है, ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का ये यात्रा है। ये जो सरकार है, ये सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया, ये सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया, इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया और इस सरकार ने झारखंड की माताओं बहनों के साथ अन्याय करने का काम किया है। मैं आज आया हूं यहां गिरडीह में और गिरडीह वालों, आज मैं कहने आया हूं, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमारे देश का सबसे पहले नंबर का राज्य बनेगा। भाइयों और बहनों, बाबा वैद्यनाथ इसी भूमि पर बिराजते हैं, झारखंडी बाबा इसी भूमि पर बिराजते हैं और यहां पर सभी लोग परेशान हैं। ये स्थिति
लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। भाइयों बहनों, मैं आया तब मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि इस बार क्या होगा झारखंड में। मैंने कहा मैं तो गीडी की दीवालों पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, दो तिहाई बहुमत से कमल फूल की सरकार बनने जा रही है, कमल फूल की सरकार। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? तो कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम वेबसाइट पर रखेंगे कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है। अरे युवाओं, मुझे बताओ, ये पैसा जो है ये हेमंत सोरेन ने कमाया हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत सोरेन ने कमाया है, आलमगीर ने कमाया हुआ है? अरे युवाओं, माताओं, बहनों, ये पैसा आपका है जो इंडी एलायंस की सरकार लूट कर अपने घर में ले गई है। और भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, या वक्त एक छोटे